हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर मोर विद रॉनी। होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो गए और मेरी वीडियो देख रहे हो गए। दोपहर करीबन बज गया 1:30 और मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था। अब मुझे जाना है कि भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए सबसे पहले मान साहब का प्रोग्राम था। मान साहब का फ़ोन आया था कि सबसे पहले जो लंच एक साथ करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। आज शाम को एक साथ ही बैठेंगे कहीं ना कहीं। बाकी अगर घूमने की बात करूँ दोस्तों, बहुत सारे बीचेस कवर कर चुका हूँ मैं। अरम्बोल बीच हो गया, मॉर्जिम बीच हो गया, वेगेटर बीच हो गया, बड़े सारे बीच मैं कवर कर चुका हूँ। अब बीचेस मैं आपको दिखा चुका हूँ। पंजिम जाना रहता है कि पंजिम एक आधे दिन में पंजिम भी विज़िट करेंगे। और साथ ही साथ कल है क्रिसमस, तो क्रिसमस में कैसे सेलिब्रेशन होता है, होस्टल में कैसे सेलिब्रेशन होता है, या बाघा बीच या कैलंगूट बीच में, बाघा बीच या कैलंगूट में वहाँ पर कैसी चहल पहल है, वो भी आपको दिखाएंगे। कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने पापी चूलो हॉस्टल से एक दूसरे हॉस्टल जो कि कैलंगूट में है, पिगी हॉस्टल, वहाँ पे मेरा स्टे है करीबन 5 दिन का। उसके लिए क्या चार्जेस पे कर रहा हूँ वो अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा जब मैं कल जाऊँगा। बाकी जी अभी चलते हैं जी लंच करने के लिए, उसके बाद लंच को इंजॉय करते हैं आज के, और उसके बाद घूमते हैं आज पूरा दिन। तो जी आज लंच के बारे में बताओ, कैसा लगा लंच? लंच अच्छा था भाई। क्या क्या खाया? बिरयानी और चिकन काफ्रियाल। लेकिन काफ्रियाल मेरे हिसाब से वो कौन सा रेस्टोरेंट है उसका बेटर था, जहाँ पे हमारे हॉस्टल के साथ वाला, हाँ पापी के साथ वाला था, पापी के साथ तो उसका मुझे बेटर लगा काफ्रियाल। बाकी बिरयानी सी काफ़ी अच्छी थी भाई। तो आनंद रेस्टोरेंट पे गए थे, मैं वहाँ से पहले बिरयानी खा के आ चुका था और मैंने वहाँ पे चिकन की भी आइटम एक दो ट्राई की थी। तो मैंने सोचा कि भाई भाई को लेके जाना चाहिए, वहाँ पे जाके ट्राई करना चाहिए। बिरयानी ट्राई करी और साथ में चिकन काफ्रियाल, दोनों ही बहुत बढ़िया थे, दोनों ही पसंद आए हैं और खाना बहुत बढ़िया था। बाकी जी 15-20 मिनट की तो वेटिंग चलती ही है क्योंकि लंच का टाइम था। और अभी मैं हुआ था इनके हॉस्टल में, क्या नाम है, मुश्तैश लगदूरिया, तो मुश्तैश हॉस्टल में आते हैं। ये कौन सी जगह पड़ती है? चपोरा में पड़ता है। बाकी मांदरम पे भी है, मांदरम पे दूसरा है, वो कोवर्क है। बाकी जी हॉस्टल बहुत बढ़िया है, एक बार रूम टूर दे दो। बाकी कितने का बुक कराया अपने ने? ये था 5 नाइट का 9,500। 9,500 वो भी न्यू ईयर के टाइम पर सही है, पहले बुक करवा लिया था ना, अब तो काफ़ी महंगा हो रहा है। अब महंगा हो रहा है। बाकी जी हॉस्टल बहुत बढ़िया है, अंदर से पूरा देखा है, पूरा स्विमिंग पूल है और ऊपर गेम्स एक्टिविटीज़ बहुत सारी है। बाकी जी खुले डुले रूम बने हुए हैं और डॉम बहुत अच्छे हैं, खुले बने हुए हैं। बाकी मैंने डॉम की वीडियो नहीं बनाई है। बाकी बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। बाकी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके। बाकी अभी चलना है भाई पापी चूलों के लिए, भाई साहब यहाँ पे सोएंगे और मैं जाके पापी चूलों में जाके टीटी खेलूंगा या कुछ इन्जॉय करूंगा, क्योंकि 4:15 बजे का टाइम हो गया, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। तुमने ये नहीं बताया कि तुम दो मैच हार चुके हो? हाँ, दो मैच मैं टीटी में हार चुका हूँ, अब क्या करें भाई, छुपाना पड़ता है ना टीटी।
टीटी अभी खेलना शुरू ही किया था, दो मैच, मैंने कहा चलो कोई नहीं जितवा देते हैं भाई को, भाई खुश हो जाएगा कल को रात को आए ना पार्टी करने। बाकी रात का क्या प्रोग्राम है? रात को चलेंगे, देखते हैं भाई, रात को भी कोई ना कोई पार्टी का प्रोग्राम बन ही जाता है भाई। गोवा आए हो ना तो अब मैं क्या आपको बीचेस दिखाऊं, तो मैं सारे बीचेस एक जैसे ही लगते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। बाकी जी थोड़ा साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे और साफ बीच आ जाएंगे। बाकी नॉर्थ अपर नॉर्थ की तरफ चले जाओगे जहाँ पे मांद्रेम हो गया, अश्विन बीच हो गया, मोरजिम हो गया, अरम्बोल, ये बड़े साफ बीच है और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ठीक ठाक होती है। बाकी इस टाइम पे रशियन तो क्राउड आया नहीं हुआ, बाकी टूरिस्ट खास है नहीं है, बाकी इंडियन क्राउड ही है। फॉरेन के लोग आते हैं पर मेन तो रशियन ही होते हैं, रशियन पीपल आते हैं मतलब। तो जी अभी आए हुए थे जॉन्स बेकरी पे, रेस्टोरेंट एंड बार है और यहाँ पर मतलब मैंने पहले लंच किया हुआ तो यहाँ पे भी लंच अच्छा है। बाकी आप बेकरी ट्राई करना अगर आप आते हो तो, बहुत ही फेमस है बेकेटर पे अगर आते हो तो। बाकी हमने कॉफ़ी पी और साथ में थोड़ी एप्पल पाई लिया था भाई ने, एप्पल पाई तो ट्राई किया नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा। बाकी कॉफ़ी ठीक ठाक थी, भाई को कैसी लगी? ठीक ठाक, तेरे को भी ठीक ठाक? कॉफ़ी कर रहा है, कॉफ़ी नहीं कर रहा यार, ठीक थी कॉफ़ी, ठीक थी। बाकी यहाँ पे हमने पहले भी ट्राई किया हुआ, डोसा ट्राई किया हुआ है और चिकन भी खाया हुआ है और बेकरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी बेकरी बहुत अच्छी लगी। बाकी इस बार लंच नहीं किया, कॉफ़ी के लिए आए थे तो कॉफ़ी ठीक थी। बाकी अगर आते हो तो प्लीज़ यार डू चेक इट आउट, जॉन्स बेकरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है वेगेटर पे। और इसी रोड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंगोज भी आता है, मैंगोज है, उसके बाद जंगल हॉस्टल पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है जंगल हॉस्टल और मैंगोज भी। बाकी यही रोड जाती है सीधी वेगेटर बीच के लिए, ये सीधा जाएगा वेगेटर हिल टॉप के लिए। तो अगर आप आते हो तो वेगेटर हिल टॉप भी जा सकते हो इवनिंग में इंजॉय करने के लिए, और साथ में बीच भी ये इसी रोड पे पड़ता है। बाकी जी अभी थोड़ा इवनिंग का टाइम हो गया, 5 बजे का टाइम है, 6 बजे तक सनसेट हो जाएगा। भाई कह रहा है उसको सोने के लिए जाना है, मैं कह रहा हूँ कि चलो आज सनसेट एक साथ। भाई कह रहा है कि उसको सोने के लिए जाना है, 5 बजे का टाइम हो चुका है, 6 बजे तक सनसेट हो जाता है। मैं उसको कह रहा हूँ कि अभी सनसेट एक साथ देखते हैं और शाम को एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर भाई कह रहा है नहीं नहीं मैं तो सोऊंगा फिर रात को आऊँगा एक ही बारी। तो बाकी जी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और अभी चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, ये अपने हॉस्टल जा रहे हैं, मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, फिर शाम का प्रोग्राम देखते हैं कि करना क्या है।